तुर्की पिछले काफी समय से अमेरिका के लिए बड़ी सिरदर्द बनकर उभरा है। नाटो मेंबर होने के बावजूद तुर्की संगठन विरोधी कदमों को अंजाम दे रहा है। एक बार फिर तुर्की के खलीफा नाम से चर्चित राष्ट्रपति एर्दोगन ने भड़काऊ बयान देकर नाटो देशों में खलबली मचा दी है। एर्दोगन ने इस्लामी देशों को इसराइल के खिलाफ एकजुट होने की मांग की। एर्दोगन ने इसराइल के विस्तारवाद के बढ़ते खतरे के खिलाफ गठबंधन बनाने का भी प्रस्ताव रखा। तुर्की के राष्ट्रपति का हालिया बयान ऐसे समय आया है जब हाल में एक तुर्की अमेरिकी महिला की वेस्ट बैंक में कथित तौर पर इजरायली सैनिकों की ओर से गोली मारकर हत्या की गई। दावा है कि महिला इजरायल के वेस्ट बैंक में नई बस्ती बसाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल होने पहुंची थी। एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए एर्दोगन ने कहा कि इसराइल के अहंकार और आतंकवाद को रोकने का एक ही तरीका है और वो है इस्लामी देशों का गठबंधन। इसराइल गाजा में नहीं रुकेगा। अगर इसराइल इसी तरह जारी रहा तो वह रामल्ला पर कब्जा करने के बाद अपनी नजरें कहीं और बैठाएगा। इलाके के अन्य देशों की बारी आएगी। इसराइल फिर लेबनान और सीरिया की ओर आएगा। वह टाइग्रिस और फरात के बीच हमारी मातृभूमि पर अपनी नजरें रखेगा। इसराइल हर उस नक्शे के साथ खुलेआम ये बात कहता है जो उसके सामने खड़ा होता है। इसराइल पहले से ही घोषणा कर रहा है कि वह अकेले गाजा पर कब्जा करके संतुष्ट नहीं होंगे। इसलिए हम कहते हैं हमास मुसलमानों की ओर से विरोध करता है। हमास न केवल गाजा की रक्षा कर रहा है बल्कि ये इस्लामी भूमि तुर्की की रक्षा कर रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति के विवादित बयान पर इसराइल ने तुरंत रिएक्ट किया है। विदेश मंत्री इसराइल कार्ट्स ने कहा कि तुर्की नेता मिडल ईस्ट और अपने ही लोगों के खिलाफ वास्तविक खतरा है। एर्दोगन ने अपने हमास दोस्तों के खातिर तुर्की के लोगों को नफरत और हिंसा की आग में झोंकना जारी रखा है। एर्दोगन के बयान एक खतरनाक झूठ और उकसावे भरे हैं। इसराइल अपनी सीमाओं और नागरिकों को हमास के हथियारों, बलात्कारियों और ईरान के नेतृत्व वाली बुराई की शिया धुरी से बचा रहा है। एर्दोगन और मुस्लिम ब्रदरहुड गठबंधन मिडल ईस्ट में उदारवादी अरब शासन को कमजोर करने के लिए ईरान के साथ वर्षों से काम कर रहे हैं। एर्दोगन को चुप रहना चाहिए और शर्मिंदा होना चाहिए। यहाँ ये साफ नहीं है कि एर्दोगन किस बात का जिक्र कर रहे थे। दरअसल किसी देश पर कब्जे को लेकर इसराइल ने ऐसा कोई बयान नहीं किया है। इसराइली नेताओं ने चेतावनी दी थी कि अगर हिजबुल्ला ने अपने हमलों को बंद नहीं किया तो लेबनान में संपूर्ण युद्ध छिड़ सकता है। गौरतलब है कि तुर्की का इसराइल के साथ लंबे समय से अस्थिर और अशांत संबंध रहा है। 7 अक्टूबर को गाजा युद्ध के बाद से तुर्की ने बार बार इसराइल पर नरसंहार का आरोप लगाया है। वहीं स्वतंत्रता सेनानियों के रूप में हमास की तारीफ की है जबकि इसराइल की तुलना नाजी जर्मनी से की है।